नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर 2021 के करंट अफेयर जितने भी बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये एक लाइन के क्वेश्चन आंसर है जिसे आप उसको फटाफट पढ़ सको, तो आप वीडियो पूरा देखें और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 26 सितंबर। 26 सितंबर यानी हाल ही में विश्व नदी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल अभियान शुरू की है? तो उसका आंसर है कानून और न्याय मंत्रालय ने देश भर में एक पहल अभियान शुरू की है और उसके न्याय मंत्रालय मंत्री है किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने द बैटल ऑफ रेजांग ला नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है पूर्व नौसेना अधिकारी कुलप्रीत यादव ने द बैटल ऑफ रेजांग ला नामक पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन भी जाएंगे, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपूर्ण पोर्टल और हुनर ऐप की शुरुआत की है? तो उसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ये ऐप की शुरुआत की है और इसके सीएम है मनोहर लाल और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो इसके भारत के साथ मिलकर अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। इसके प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया? तो CBSE के साथ गांधीनगर ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन में जाएंगे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है? तो लद्दाख में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, किस राज्य में कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ? तो नागालैंड राज्य में कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो उसके सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी चीज को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर है सोजित मेहंदी को हाल ही में राजस्थान में GI टैग मिला है। अगले क्वेश्चन भी जाएंगे, कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिका पुरस्कार से सम्मानित करेगी? उसका आंसर हो गया आसाम। अगले क्वेश्चन भी जाएंगे, किस राज्य में टेरी बांध जो कि भारत की भगीरथी नदी पर है जो सबसे ऊंचा बांध है को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है? तो उसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में टेरी बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है और उसको पूरी क्षमता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर है नौके खंडूरी को सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना है जिसका उद्घाटन 26 सितंबर को हुआ? तो उसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा पामेटम बना जिसका उद्घाटन अभी भी हुआ था। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। तो वो क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है जो हाल ही में अभी आने वाला है? तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों ये वीडियो आप शेयर कीजिए क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह की करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।